साहब जरा माइक देना। मेरी माँ कहा करती थी, गुस्सा प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ काबू नहीं कर सकता। देख समीर, मेरी माँ कहती है गुस्सा प्यार का दुश्मन है, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उससे काबू में कुछ नहीं होता। अबे तेरी माँ नहीं, मेरे दोस्त अरुण की माँ कहा करती थी ये। अपने दोस्त की बात याद है, लेकिन अपने दोस्त को भूल गया तू? तू मेरा दोस्त अरुण नहीं हो सकता, तू कमीना है। मेरा दोस्त अरुण बहुत अच्छा था। तू जानता है 19 साल बाद जब मैं अमेरिका से लौटा तो सबसे पहले किसके घर गया? तेरे घर। ए समीर! समीर तो है नहीं, आप कौन है? दादी मैं। अरे समीर का बचपन का दोस्त अरुण। अरुण! अरे बाप रे! ये दादी मेरा दोस्त कहाँ है? वो तो गोवा गया है। अभी वैसा गुस्से वाला या बड़ा होके शांत हुआ है कुछ? बेटा उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। फिर दादी ने मुझे तेरी सारी प्रॉब्लम बताई, कैसे तेरा दिल टूटा, कैसे तू डिप्रेस हुआ, कैसे गोवा गया और वहां रानी से मिला और उसे चाहने लगा और उसके खातिर अपने गुस्से को हमेशा के लिए दबा दिया। तो फिर ठीक है, मैं समीर को फोन करके आती। नहीं दादी, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि उसका इलाज मैं दोस्त बन के नहीं दुश्मन बन के करूंगा। अरुण, इसीलिए मैं गोवा आया, तेरे साथ, तेरे ही घर में और तेरे ही रूम में रहा। अरे अब मैं समझा तू यूं क्यों करता था मेरे भाई। आजा। पतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आ जा मेरे यार। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, अरे बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आ जा मेरे यार। अब क्या हुआ? अरे फिर से क्या गलत किया यार? अभी तेरी किस्मत खराब है बेटा, फूटी है फूटी, लेकिन अब कुछ नहीं उखाड़ सकता।